दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं वीरेन अपने चैनल रुद्राक्ष स्टेट्स में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने घर पर होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। अब जैसे कि आपको सबको पता है कि इस लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस वगैरह आ गए हैं, तो ये मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, चाहे फ्लैट प्लान कर रहे हैं, चाहे कमर्शियल या शॉप, तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको ऑनलाइन अपनी वीडियोज़ के जरिए जो है आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो गाइस इस वक्त हम खड़े हैं न्यू चंडीगढ़ में। न्यू चंडीगढ़ का जो सेक्टर सेंटर पॉइंट है, हम लोग उस जगह पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये जो आप जिस प्रोजेक्ट में मैं खड़ा हूँ, इस प्रोजेक्ट का नाम है फ्लोरेंस पार्क। ये अंबिका के थ्रू बनाया गया प्रोजेक्ट है, अंबिका बिल्डर है इसके। तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये उस प्रोजेक्ट का मॉडल है और अब मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस मॉडल को समझाऊँ, तो मैं थोड़ी सी हेल्प लूँगा मिस्टर मंजोत की। तो ये मिस्टर मंजोत सिंह जी हैं जो यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। इनके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफ करेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे है, इसकी एडवांटेजेस क्या है और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लेने का क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो जी प्लीज। एब्सोल्युटली, मैं आपको एक बार सारों को प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट है, 10.5 acres में बना हुआ है प्रोजेक्ट। ये सारा का सारा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है जलमल। दिस प्रोजेक्ट 10.5 acres में बना हुआ है, सारा का सारा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा। जितने भी आप डोम्स एंड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं वो इटालियन रहेंगे जी। नाउ ये रोड है 200 फीट वाइड रोड है। ये जो आप रोड देख रहे हैं एयरपोर्ट रोड को कनेक्ट करेगी वाया खरड़। नाउ दिस इज अ सेकेंड रोड, दिस इज अ सेक्टर डिवाइडिंग रोड। ये 100 feet वाइड रहेगी। जैसे न्यू चंडीगढ़ में से पहले से ही सेक्टर डिफाइन है, दिस इज सेक्टर 14 ऑफ न्यू चंडीगढ़। नाउ कनेक्टिविटी की ही बात करूं तो हमारी दक्षिण मार्ग की कनेक्टिविटी इस रोड से आ जाती है और मध्य मार्ग की कनेक्टिविटी इस रोड से आ जाती है। सो हमारा प्रोजेक्ट राइट इन द मिडल है, दोनों ही कनेक्टिविटी के बिल्कुल बीच में रहेगा। प्रेजेंटली सर आपने एंट्री इधर से करनी है, इधर आपकी कार पार्किंग होगी। ये जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा ऑफिस एरिया है। बेसिकली ये सब कुछ डिमोलिश होकर इधर आपके लिए एसयूज एंड बूथ बनाए जाएंगे। हमारा शो फ्लैट इधर बना हुआ है, इधर एक हाइपर मार्केट जैसा कॉन्सेप्ट रहेगा। नाउ ये आपकी एक 80 feet वाइड एंट्रेंस है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल सी अ रैंप टू द बेसमेंट। नाउ इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि आपको इस टावर्स के भी नीचे बेसमेंट मिलेगा और जो ग्रीन पैचेस एरिया है उधर भी बेसमेंट मिलेगा। सो वी हैव एम्पल नंबर ऑफ कार पार्किंग्स। अब जो हमने सारी गेस्ट पार्किंग रखी हुई है हमारी सारी पेरिफेरल बाउंड्री में रहेगी। जितनी भी हमारी बाउंड्री है वो गेस्ट पार्किंग के लिए डेडिकेटेड करी गई है। नाउ एरिया वाइज वी हैव 83% ऑफ ओपन एरिया स्पेसेस एंड 17% ऑफ बिल्ट अप एरिया। दैट मीन्स ये जो आप 9 towers देख रहे हैं ये सिर्फ 17% की कवर कर रहे हैं ऑफ द टोटल एरिया। Now I'll start with this tower. This is our iconic tower, Petunia G. G+1 would be the clubhouse. 15,000 square feet में we have the clubhouse in which we are providing daycare and crutch. एक first aid room रहेगा। इधर ही हमारे पास साइड में kids corner आ जाएगा। इसके ही बिल्कुल साथ में हमारे पास एक banquet hall होएगा जहाँ 100 to 150 की gathering करी जा सकती है। उसके साथ open party hall on basically kitty parties and birthday parties वास्ते। सामने ही आपके पास एक pool siding gym होएगा with spa. Now, if I talk about the green amenities, तो हमने हर एज ग्रुप को केटर करा हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम किड्स वी हैव 4 थीम बेस्ड पार्क। वन इज हियर बेसिकली टॉडलर्स कॉर्नर, इसमें आपको सैंडल्स के स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। गुलेवर्स वर्ल्ड में जाइंट्स एंड स्विंग्स आ जाएंगे। एक इधर हमारे पास पार्क आ जाता है फ्लाइंग फॉक्स, बेसिकली सस्पेंडेड ब्रिज रहेगा उसमें। एक सस्पेंडेड ब्रिज विद सेफ्टी इक्विपमेंट्स, बच्चे जैसे यू नो वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर जा सकते हैं। Now if I talk about adults, we have dedicated इधर एक आपके पास बैडमिंटन कोर्ट आ जाता है, एक इधर आएगा, एक उस टावर के बिल्कुल पीछे है। सेकेंड बैडमिंटन कोर्ट इज हियर। एक आपको क्रिकेट पिच विद बोलिंग मैकेनिज्म इधर मिल जाएगा जी। एक लॉन्ग टेनिस कोर्ट आपका इधर आ जाएगा सर। एंड वी हैव 2 pools. One semi-Olympic size for adults and second one is for kids with 2 slides. इसके साथ में we have an aqua theme, बिल्कुल pool के साथ में ही we have an aqua theme, जैसे rain water dancing वाला concept, वो सारा इधर cater हो जाएगा sir. Plus we have an half basketball court which is located here. Sir, अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे प्रोजेक्ट में चीजें स्कैटर्ड हैं, कोई भी चीजें कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। उसका फायदा यह होता है जहां भी आप रह रहे होंगे उसके एक मिनिमम अमेनिटीज उस टावर के नीचे पर्टिकुलर रहेगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सीनियर पीपल, तो हमने स्पेशली एक जेन पार्क डेडिकेट करा है इधर जी।
बेसिकली ये जापानीज कॉन्सेप्ट का जेन पार्क रहेगा, इसमें अपने हटमेंट्स एंड गजीबोस क्रिएट करे हुए हैं। इधर हमारा ओपन जिमिंग इक्विपमेंट्स आ जाता है, जैसे हम मोहाली एंड चंडीगढ़ में देखते हैं ओपन जिमिंग कल्चर काफ़ी है, तो वो इधर केटर होता है। योगा एंड मेडिटेशन कॉर्नर ये वाला रहेगा जी हमारा। नाउ हम फर्स्ट फेज में हमने ये तीन टावर्स लॉन्च करे थे 2017 में। जो आप ये बाहर वाला देख रहे हैं ये 3+ यूटिलिटी 1690 स्क्वायर फीट में रहेगा। ये वाले सारे आपके फ्रंट वाले 2 BHK के रहेंगे 1270 स्क्वायर फीट में, एंड पीछे वाले सारे 3 BHK रहेंगे 1520 स्क्वायर फीट में। इन तीनों ही टावर्स का पोजेशन टाइम बाय ऑगस्ट होएगा ऑफ दिस ईयर। इसके बाद हमारे बड़े यूनिट्स आ जाते हैं। जो आप ये सामने दो टावर्स देख रहे हैं हमारे ऑर्किड टावर्स हैं। ये जो आप फ्रंट में आप देख रहे हैं 4+7 2480 स्क्वायर फीट में रहेंगे, एंड पीछे वाले रहेंगे 3+7 2080 स्क्वायर फीट में। इन दोनों ही टावर्स का पोजीशन बाय एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर। नाउ दीज आर अवर एस्टर टावर। ये सिर्फ G+15 ही होंगे, जैसे आपने ये 5 टावर्स देखे ये G+18 थे, ये सिर्फ G+15 ही होंगे। एक्सट्रीम कॉर्नर्स 3+ यूटिलिटी 1800 स्क्वायर फीट में रहेंगे ये, एंड ये बीच वाले घर 3+7 2020 स्क्वायर फीट में रहेंगे। इनका पोजेशन टाइम बाय एंड ऑफ दिसंबर 21। नाउ आई विल कम टू दिस। दिस इज अवर पेटूनिया। इसमें अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स रहेंगे, बेसिकली 4+7 अराउंड 3500 स्क्वायर फीट में रहेंगे। एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट्स हैं, एंड ये सारे के सारे अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। सो बेसिकली ये सारे के सारे फुली फर्निश्ड हाउस रहेंगे। टोटल वी हैव ओनली 26 फ्लैट्स, एंड ये G+14 तक होएगा। इनका भी पोजेशन टाइम बाय एंड ऑफ 21 दिसंबर। बाकी अभी मैं आपको शो फ्लैट दिखा देता हूँ। जो हमारा शो फ्लैट रहेगा वुड बी दिस बेसिक साइज 1690 स्क्वायर फीट। इसमें ही मैं आपको 2 BHK का भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा। आइए तो गाइज, अभी हमने इसके प्रोजेक्ट मॉडल को हमने थोड़ा सा देखा, उसको मंजूर जी ने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करा। अब हम इसके शो फ्लैट के ऊपर खड़े हुए हैं। शो फ्लैट में आज मैं इनसे एक एज अ कस्टमर इनसे बात करूंगा कि मुझे इसमें क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, और इसका साइज क्या है, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, तो वो सारी की सारी आज मैं इनसे पूछने वाला हूँ। तो मंजूर जी, मैं चाहूंगा कि आप मुझे फ्लैट दिखाना शुरू करें, कहाँ से है, कैसे है, क्या रहेगा। एब्सोल्युटली, जहाँ हम प्रेजेंटली खड़े हैं दिस इज द रिसेप्शन एरिया। तो जैसे ही हम अपने टावर एंटर करेंगे दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग यू विल सी, जहाँ आपके सिटिंग अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, प्लस अ डेडिकेटेड गार्ड वुड बी सिटिंग इन एवरी रिसेप्शन। ये तो हमने एक छोटे से एरिया में दिखाया है, बस इससे 10 से 12 गुना बड़ा होएगा जो रिसेप्शन एरिया होएगा। तो मंजू जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, मतलब जैसे यहाँ पर आपको रिसेप्शन एरिया में हमें कुछ जो रिसेप्शनिस्ट होगा वो हमें अटेंड करेगा, बट मतलब हमारी सिक्योरिटी का क्या रहेगा कि जैसे हम उधर से एंट्री करेंगे तो उसमें एंट्रीज का क्या? वी हैव अ 3-tier सिक्योरिटी। ठीक है, हर जगह पहले जब आपको कोई फर्स्ट गेट में आता है तो आपको एक इंटरकॉम के साथ कनेक्टिविटी आएगी कि आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है। फिर जब वो आपके टावर के नीचे खड़े होंगे उधर अगेन आपको गार्ड उनको इंक्वायरी करेगा, और तभी जब इंक्वायरी पूरी होगी तो ऊपर आ सकते हैं। वो बेसिकली हमने रिसेप्शन एरिया इसलिए ही बनाया है ताकि जो वेटिंग टाइम रहेगा वो नीचे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज राइट नाउ हमारा फ्लैट इधर से शुरू होता है। दिस इज टिपिकल 3+ यूटिलिटी 1690 स्क्वायर फीट। इसमें वी आर प्रोवाइडिंग प्रीमियम विट्रिफाइड टाइल्स, फॉल सीलिंग विद गोल लाइट्स ओनली टिल ड्राइंग रूम। ठीक है, प्लस आपको मिलता है अटैच बालकनी। हर जगह आपको UPVC के स्लाइडिंग डोर्स मिलेंगे विद टफन ग्लास। तो इसकी बालकनी का जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा? सर 5 feet बालकनीज मिलेंगे आपको विद एंटी स्किड टाइल्स। तो ये हमें हर एक फ्लैट, मतलब जो चाहे हम कोई भी साइज लें, हर एक साइज में हमें यही बालकनी का स्पेस मिलता है कि थोड़ा सा बड़ा भी होता है छोटा भी होता नहीं है? सर अगर आप 2 BHK 3 BHK एंड 3+ यूटिलिटी में लेंगे तो बालकनी साइज वुड ओवरऑल बी सेम। बालकनी साइज सेम रहेगा। बट अगर जैसे मैं, जैसे 1600 स्क्वायर फीट का लगभग का फ्लैट है, अगर मैं इसको मतलब एक साइज इसमें बड़ा लेता हूँ 1800 2000 का, या उसमें बालकनी बड़ी हो जाएगी, उसमें बालकनीज बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज द मिनिमम बालकनी साइज जो आपको प्रोवाइडेड रहेगी हर यूनिट में।
और ये जो ड्राइंग एरिया में हम जो सामान देख रहे हैं लगा हुआ, इसमें से हमें क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा, प्लीज एक्सप्लेन करें। सो सर, ये सारा मूवेबल फर्नीचर नहीं होएगा, इधर आपको बिल्कुल एक सेमी फर्निश्ड हाउस मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ फॉल सीलिंग मिलेगी ड्राइंग रूम में एंड टाइल्स मिलेंगे। इधर आपको प्लास्टिक इमल्शन का पेंट मिलेगा। Right. And what about the wallpapers and all? नहीं सर, wallpapers सिर्फ हमने दिखाया है, but you will only get plastic emulsion paint. In fact, ceiling fan वगैरह भी नहीं होगा? नहीं सर, fan नहीं होंगे, ducts तो हर जगह लगे होंगे। Ducts लगे right. और इसका drying area का space कितना होगा, थोड़ा सा idea लगभग? सर ये approximately 18x16 का होएगा आपके पास living dining area. ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा मॉड्यूलर किचन रहेगा, इसमें जो जो आप फिटिंग्स देख रहे हैं एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड। इधर आपको डबल हाइटेड ग्रेनाइट मिल जाएगा प्लस अ डबल सिंक जी। हेडटेक का किचन है हमारे पास, सारी जगह आपको लॉक्स मिलेंगे जी, जो हमारे हाइड्रोलिक लॉक्स होते हैं, आप जैसे इसको देखेंगे जी, जी। ये एरिया इनफैक्ट वॉशेबल एरिया रहेगा, सो आप इसको रिमूव करके वॉश करके दोबारा लगा सकते हैं। सर इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं होंगे। इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट, चिमनी एंड हॉब नहीं होगा इसमें। ओके, एंड मतलब सिर्फ कैबिनेट्स एंड कबर्ड्स ही हमें लगे लगाए मिलेंगे इसमें, और दोनों तरफ हमें ये मिल जाता है ग्रेनाइट के स्लैब्स मिल जाएगा। एब्सोल्युट राइट। और व्हाट अबाउट द फिटिंग्स? सर ये फिटिंग्स रहेंगी, फिटिंग्स रहेंगी। हाँ जी ठीक है। इसके साथ भी आपकी बालकनी अटैच है, बट इज सेकेंड रूम, मैं आपको दूसरे रूम से दिखाता हूँ वो। ठीक है, बाकी आइए जी। तो इसमें ये स्पेस जो फ्रिज के लिए ये दिखाया हुआ है कि ये नहीं सर, ये हमने दिखाया हुआ है कि आप इसमें डबल डोर फ्रिज लगा सकते हैं जिसमें कोई भी प्रोवाइडेड नहीं रहेगा। ये तो आपको सिर्फ एक आइडिया दिखाने के लिए है कि ऐसे ऐसे फिटिंग्स। अच्छा एक ना मैं बड़ी देर से पॉइंट पूछने की कोशिश कर रहा था कि जो हमने वुडन यूज करी है ये किस क्वालिटी की है, क्या है, कैसे? दिस इज अ प्लाईवुड वाली वुडन है, दिस इज इसकी इनकी वारंटी भी होती है 2 ईयर्स। इनफैक्ट हमारी एक प्रपोज स्पेसिफिकेशन आती है, तो ईच एंड एवरीथिंग which I am telling you उसमें define रहेंगी। ठीक है। Now sir, this is the common washroom जी, इसमें आपको रोका की फिटिंग्स मिलेंगी हर जगह with 8+ year वारंटी के साथ हैं ये सारी फिटिंग्स। इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको पूरी छत तक टाइल्स की प्रोविजन रहेगी। यूजली क्या होता है ऊपर तक छत तक टाइल्स नहीं जाती, बट इसमें हमने प्रोविजन दी हुई है, एंड इसमें भी बाथरूम में सारी फॉल्स सीलिंग है। ओके ना सर, इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास पार्टीशन एंड वेनिटी, ये दो चीजें एक्स्ट्रा रहेंगी इसमें। मतलब ये इसमें नहीं है? नहीं है, ये आप एक ग्लास पार्टीशन नहीं है और एक ये नीचे वाली स्टोरेज के लिए नहीं है। ना सर, दिस वुड बी मोर लाइक एन ओपन स्पेस एरिया, आपको पूरी स्पेस मिल जाएगी। ये तो हमने सिर्फ कंसेप्चुलाइजेशन करा है कि आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे स्पेस रहेगा हमें, ये पूरा स्पेस आ जाएगा सर। दिस इज जस्ट फॉर एन आईडिया। एब्सोल्युटली सर। ओके, तो आपको पूरा अच्छा खासा स्पेस आ जाएगा इधर। ठीक है, ठीक है। नाउ सर, आई स्टार्ट विद दिस रूम जी। ओके, दिस इज आवर मास्टर बेडरूम, 11x13 का वी हैव द मास्टर बेडरूम। इसमें आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग प्रोवाइडेड रहेगी प्लस अ कवर, ये कवर्स इसमें रहेगा। एब्सोल्युटली। और ये सेम मतलब जैसे अभी मैंने वुडन के बारे में आपसे क्वेश्चन पुट किया था, बिल्कुल। okay. ये सब ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन वारंटी। जो व्हाट अबाउट द वॉलपेपर्स अगेन? सर वॉलपेपर्स में आपको सिर्फ प्लास्टिक इमल्शन पेंट मिलेगा। वॉल फॉल सीलिंग नहीं सर, सिर्फ ड्राइंग रूम तक। ओके, सिर्फ ड्राइंग रूम में रहेगी। ओके, इसके बाद हमारा अटैच वॉशरूम रहेगा 5.5x7.5 का, 5.5x7.5 का वॉशरूम रहेगा। इसमें आपको वैनिटी प्रूफ भी प्रोवाइड, ये जो आप देख रहे हैं स्टोरेज के लिए वैनिटी रहेगा इसमें। जी जी। इसमें ग्लास पार्टीशन है वो एक्स्ट्रा रहेगा सर, वो अगर कस्टमर ने लगवाना हो तो लगा सकते हैं जी। गुड। नाउ इसके साथ भी हमारी 5.5 feet बालकनी अटैच रहेगी। नाउ द प्लस पॉइंट रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट इज हर जगह आपकी बालकनी अटैच है, मतलब तो 3 bedroom और 3 washroom प्लस आपका विद बालकनी। हाँ जी। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। Absolutely sir. Okay. हमारे 5 towers ready हो चुके हैं till octet तक अभी। अभी Astor is under construction. अभी ये वाला जो है, सुमित जी इसको थोड़ा सा zoom करेंगे। तो ये जो पहला वाला जो अभी अभी हमें आधा बना दिख रहा है, ये कौन सा टावर है? सर Astor टावर है हमारे, और ABC। ठीक है, और पेटूनिया हमारा कहाँ पर आएगा? सर पेटूनिया इधर आएगा, राइट, ये जहाँ पर आपके ग्रिल्स दिख रही है, ग्रिल्स दिख रही है। और ये सामने वाला टावर, ये जो सामने 2 towers है, ये ऑकेट टावर है। 4+ servant वाले सारे फ्रंट वाले दिख रहे हैं आपको, पीछे रहेंगे 3+ servant। ओके,
अभी तक हमने अभी तक सिर्फ इसका एक ही रूम देखा है, तो ये हमारा दूसरा बेडरूम है। ये हमारा किड्स रूम रहेगा जी। इसका जो साइज है 10.5x12 का आपके पास साइज आ जाता है जी। इसमें अटैच वॉशरूम रहेगा, जो आप वॉशरूम साइज सेम है जैसे आपने मास्टर बेडरूम में देखा। तो सेम साइज है इसके वॉशरूम का भी जो हमने मास्टर बेडरूम में देखा। इसमें हमें कबर्ड्स मिलेगी कि स्पेस मिलेगा या कैसे? सर इसमें कबर्ड्स कोई प्रोवाइडेड नहीं होगी, कबर्ड्स ओनली मास्टर बेडरूम में रहेगी। तो दोस्तों इसमें हमें कबर्ड्स नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ एक ही जो हमारा मास्टर बेडरूम है उसमें हमें कबर्ड्स मिलती हैं। और मास्टर बेडरूम कौन सा है जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख करके आए, जिसके अंदर हमने लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग वाला जो एरिया देखा था वो मास्टर बेडरूम का था। तो इसके साथ भी जो है आपकी बालकनी अटैच है, बालकनी अटैच है। तो हम दोबारा फिर से कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ सकते हैं? एब्सोल्युटली सर। तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से कि कौन सा टावर कहाँ पर है? सर ये हमारे प्राइमरोज टावर है, जो ये बाहर बल्ब का होता है ये वही शो फ्लैट जो हम अभी देख रहे हैं, ये प्राइमरोज है। हाँ जी। और उसके बाद वाला? सर ये सारे तीनों ही प्राइमरोज है, प्राइमरोज सी डी एंड ए। ओके। और फिर उसके बाद ये वाला हमारे ऑर्किड टावर है। ऑर्किड है। गाइस देखा आपने कि मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है किस हिसाब से चल रही है, अच्छे लेवल पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने एक अलग से लैब बनाई हुई है, जितना भी मटेरियल यहाँ पर आता है उस लैब में टेस्ट होने के बाद ही वो यूज में लाया जाता है। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा प्रोजेक्ट में तो मतलब यहाँ पर जो है फ्लाई एशेज वाले ब्लॉक्स लगाए गए हैं जो कि मतलब काफी बेनिफिशियल है, उनसे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहती है। नाउ सर इफ आई टॉक अबाउट जो हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, तो जो हमारी जो हम सीमेंट यूज कर रहे हैं वो डायरेक्टली अल्ट्राटेक का सीमेंट है, तो डायरेक्टली हमारे पास इधर कोई मिक्सर प्लांट नहीं है, जो भी सीमेंट है वो हमारा डायरेक्टली बाय अल्ट्राटेक का प्लांट से आता है। प्लस वी आर यूजिंग टाटा स्टील, बहुत बढ़िया ऑथेंटिकेटेड टाटा स्टील के हम सारे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टाटा स्टील से बना हुआ है। तो अभी आपने इतने कम टाइम में इतना अच्छा कुछ सेट अप कर दिया, ठीक है प्लीज आइए। नाउ सर दिस इज द गेस्ट रूम जी, ये okay. आपके यूनिट में सबसे छोटा रूम रहेगा 10x12 का। इसके साथ जो वॉशरूम रहेगा वुड बी द कॉमन वॉशरूम जो आपने बाहर देखा जी। इसके साथ सबसे बड़ी बालकनी अटैच है 6 feet बालकनी। ओके योर किचन। अच्छा ये बालकनी हमारी किचन के साथ अटैच है? एब्सोल्युटली सर। तो गाइस ये बालकनी हमारी किचन के साथ अटैच है, जब हमने किचन का एरिया जब देखा था तो उस टाइम पर हम बालकनी नहीं देख पाए थे, तो अब वो बालकनी हम यहाँ पर देख सकते हैं। 6 feet की लंबी बालकनी है, प्लस जो अभी आपका वॉशिंग एरिया होगा वो इधर आ जाएगा बेसिकली। okay. तभी हमने एक कॉमन बालकनी रखी है। गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगेन इसमें भी हमें कोई कबर्ड्स नहीं है, तो मतलब ये भी हमें बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे हमें सेकंड वाला बेडरूम मिला था। राइट। Now sir, if I talk about 2 BHK, जी, तो overall size सबका सेम रहेगा। That means जो आपके ड्राइंग रूम है, किचन एरिया है, वॉशरूम साइज है, सबका साइज सेम रहेगा। सिर्फ एक किड्स रूम नहीं आएगा 2 BHK में। ये रूम नहीं होगा। हाँ जी। So this room would move forward from here to here। Okay। इधर आ जाएगा ये रूम। Right। और ये रूम इग्नोर हो जाएगा। Okay। So in 2 bedrooms we have 2 washrooms and 2 rooms। फिर उसका साइज क्या बनेगा? Sir 1270 बनेगा। 1270। बट जो भी मैंने अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई है वॉशरूम की, ड्राइंग रूम की एंड किचन की, वो सब सेम रहेंगे। वो सब सेम रहेंगे। बालकनी साइज भी सबका सेम रहेगा। ओके। तो अभी जब हम इस सैंपल फ्लैट में एंटर हो रहे थे तो मैंने ध्यान दिया था कि साइड में एक और डोर था, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? सर बेसिकली वो मैंने आपको बोला था दिस इज 3+ यूटिलिटी। राइट। सो आपको एक जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको 10x7 का एक यूटिलिटी रूम मिलेगा। ओके। That is why I told you 1690 square feet का है। Right। हम देख सकते हैं? Absolutely। Now sir, ये तो proper एक 4 BHK का थोड़ा सा idea हो गया, but this is also not a true 4 BHK। इधर 10x7 का room मिलेगा, that means इधर से लेके इधर तक और बंद। तो as a store room आपको मिलेगा 10x7 का। So basically जो entry होगी वो भी आपकी आगे आ जाएगी। जैसे आप एंटर करेंगे ऑन राइट हैंड साइड आपको पहले एज अ स्टोर रूम दिखेगा। राइट राइट राइट। तो बेसिकली ये था हमारा कितने स्क्वायर फीट का? 1690 स्क्वायर फीट का फ्लैट। हाँ जी।
तो गाइस ये अभी हमने जो फ्लैट देखा ये 1690 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, जिसके अंदर हमने 2 BHK का भी थोड़ा सा एक आइडिया ले लिया, 3+1 का मतलब 3+ यूटिलिटी का भी थोड़ा सा एक आइडिया लिया, और 4 BHK का भी इसमें हमें छोटा सा एक आइडिया लग जाता है कि उसमें हमें क्या साइज मिलता है। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी ने इसको जो इसका जो फ्लोर प्लान है या इसका जो इंटीरियर है वो किस हिसाब से डिजाइन करा है, और इसमें कंपनी ने आपको शो भी किया है कि आप इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसको कैसे आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगी, अगर आप यहाँ पर अपने छोटी सी फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और मैं मंजोत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ये मेरी शायद पहली वीडियो थी जिसमें मैं किसी से ऐसे सवाल कर रहा था, क्योंकि मेरी कोशिश क्या रहती है कि हम लोग अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को या अपने व्यूवर्स को कुछ ऐसा दिखाएं जिससे कि उनको पता लगे कि मैं एज अ डीलर या एज अ यूट्यूबर ही नहीं बात कर रहा, मैं एज अ कस्टमर भी बात कर रहा हूँ। उसमें आपके भी सवाल थे, आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे, मेरे मन में भी एक सवाल आया अभी अभी। तो मंजोत जी मैं जानना चाहूंगा कि इसमें अगर हम 2 BHK से लेकर के 4 BHK या पेंट हाउस लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट को कहाँ से स्टार्ट होती है? सो सर, 2 BHK हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू होती है 52 लाख से। ओके, और इसमें मतलब 52 लाख से ये हमारा 2 BHK स्टार्ट होता है? 2 BHK स्टार्ट होता है सर। जो जो मैं आपको प्राइसेस बोल रहा हूँ उसमें कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप एंड EDC सब पूरा है। इसमें दो आपके एडिशनल चार्जेस लगेंगे विच इज GST 5% एंड एक रहता है हमारा PLC प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। अच्छा, एक चीज में और मतलब चलो बात आ रही है, तो जैसे आज की अभी आपको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ था, कर्फ्यू था, मार्केट जो है लोगों के दिमाग में सवाल है कि मार्केट काफी डाउन जाएगी, क्या उसका मतलब मार्केट का कुछ फर्क पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर या नहीं? सर, रियल एस्टेट इज वन ऑफ दो सेक्टर्स जहां इतना इम्पैक्ट नहीं आता। इफ आई टॉक अबाउट जैसे आप म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट देख लो जहां एकदम ही प्राइसेस स्लैश हो जाती हैं, वेयरएज रियल एस्टेट में इतना बाउंस बैक नहीं होती प्राइसेस। ओके, तो मतलब मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करता हूं या इसमें कोई फ्लैट बुक करता हूं तो वो उसमें मुझे नेगोशिएशंस के कितने चांसेस? सर, जो भी हमारा नेगोशिएशन रहेगा वुड बी ऑन पेमेंट प्लान्स। तो हमारे पास पेमेंट प्लान्स हैं, उसके जो जो आप पेमेंट प्लान लेते हैं उसके डिस्काउंट डिफाइंड रहेंगे। तो जैसे आप पेमेंट प्लान ऑप्ट करते हैं उसमें आपको डिस्काउंट होंगे। तो मुझे थोड़ा सा पेमेंट प्लान एक्सप्लेन करें कि हमारे पास पेमेंट प्लान कौन कौन से हैं। सो सर, एक तो क्योंकि अगर मैं ब्रिमरोज की बात करूँ जिनका भी सबसे पहले पोजेशन हो रहा है, तो उसमें हमारे पास सिर्फ दो ही पेमेंट प्लान है। एक तो हमारे पास है टाइम लिंक पेमेंट प्लान। टाइम लिंक बेसिकली आपको विद इन 4 मंथ्स सारे पेमेंट करनी पड़ेगी जी। एक क्योंकि हमारे टावर्स रेडी हैं और पोजेशनेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। एक रहेगा सेकंड लमसम पेमेंट प्लान, दैट मींस विद इन आप 45 डेज 95% पेमेंट कर देते हो तो यू विल गेट अ 2% का डिस्काउंट। 2% का डिस्काउंट, हां जी। ओके, ऑन द सेल वाला, ऑन द सेल, ठीक है। और इसके अलावा कोई और नहीं सर? इसके अलावा मतलब हमारे पास अभी प्रेजेंट में सिर्फ दो ही पेमेंट प्लान है फॉर प्रिमरोज। और अगर मैं अदर टावर्स की बात करूं तो सर उसमें हमारे पास काफी हैं पेमेंट प्लान्स। इफ आई टॉक अबाउट, मुझे एक मतलब जो लोग सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं मैं उन्हीं पेमेंट प्लान्स के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। सो सर, मोस्ट ऑफ दी यू नो कस्टमर्स हमारे लमसम पेमेंट प्लान को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास काफी डिस्काउंट आ जाता है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट ऑर्किड तो उसमें आपके पास 4% का डिस्काउंट आ जाता है। और उसमें मुझे पहले कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी? सर, विद इन 90 डेज आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको महीने के दो महीने के गैप्स भी होंगे। चलिए, और इसमें कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के बारे में अगर मैं बात करूं? सर, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान सिर्फ हमारे एस्टर टावर में अवेलेबल है। ओके, वही की कंस्ट्रक्शन हो रही है। ओके, तो उसमें जैसे जैसे आप स्लैब्स डलती जाएंगी वैसे वैसे आपको पेमेंट आती रहेगी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज हमने थोड़ा सा वीडियो अपने नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैंने आज इनसे अपना मंजोर जी से पेमेंट प्लान्स के बारे में भी पूछा, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन भी देखी, हमने इसकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लिया।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि इससे बढ़िया इस वक्त मतलब कोई और प्रोजेक्ट अभी फिलहाल यहाँ पर इतना बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा है जितना कि ये कर रहा है। और ये टोटल 10 एकड़ में बना हुआ प्रोजेक्ट है, मैं फिर से बता देता हूँ। और 10 एकड़ में इसकी कार पार्किंग है और आपका जितना भी ऊपर का जितना भी पार्ट रहेगा वो नो व्हीकलर जोन रहेगा। और इसके सराउंडिंग्स में जो इसका आपका सर्कुलेशन रोड है उसके सर्कुलेशन रोड के पास में आपके हर टावर के सामने इसकी विजिटर कार पार्किंग्स वगैरह भी रहेंगी। तो मतलब एक जो आप एक मतलब जिसको हम आदर्श सोसाइटी कहते हैं, मतलब अगर मैं उसकी बात करूं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन बन सकती है। और मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार जरूर विजिट करें। ये न्यू चंडीगढ़ में ही है प्रोजेक्ट, जो कि न्यू चंडीगढ़ के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर है, जो आपका मध्य मार्ग से दक्षिण मार्ग तक का जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड है ये उस रोड के ऊपर आपका जो है लोकेटेड है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको अगर लगता है कि ये इस वीडियो से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ी है या आपको पसंद आई है तो नीचे एक मेरा लाइक का बटन है और एक सब्सक्राइब का है और एक शेयर का है, आप तीनों में से कोई भी प्रेस कीजिए या फिर तीनों प्रेस कीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे तीनों ही करूँ। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरा नीचे मोबाइल नंबर भी मेंशन है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको साथ के साथ रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।